मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन में क्लिक कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत कंप्यूटर टीचिंग इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या जानने वाले हैं स्पीकर और प्रोजेक्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग प्रिंटर के बारे में जाने थे, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्पीकर और प्रोजेक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्पीकर और प्रोजेक्टर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्पीकर क्या है? स्पीकर इज एन ऑडियो आउटपुट यूनिट यूज टू लिसन एनी म्यूजिक और एनी टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम कंप्यूटर और एनी अदर डिजिटल डिवाइस। स्पीकर एक ऑडियो आउटपुट यूनिट है जिसके जरिए हम लोग सुन सकते हैं कोई भी टाइप्स का साउंड को या म्यूजिक को, जो कंप्यूटर से या तो अदर डिजिटल डिवाइस से भी हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करके साउंड को सुन पाते हैं। हेडफोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एयरफोन और हेडसेट। दिस इज यूज टू लिसन एनी साउंड ऑफ सिंगल पर्सन विदाउट हेयरिंग अदर्स। हेडफोन्स क्या होता है? हेडफोन्स हम लोग जानते हैं क्योंकि मोबाइल के साथ हम लोग सभी हेडफोन यूज़ करते हैं, तो हेडफोन भी एक स्पीकर की तरह ही है, लेकिन इसको एयरफोन कहा जाता है या तो हेडसेट कहा जाता है। इसके ज़रिए क्या होता है कि साउंड जो होता है वो कोई सिंगल पर्सन ही सुन पाते हैं और दूसरे को ये आवाज़ सुनाई नहीं देता। लेकिन स्पीकर में ऐसा नहीं होता, वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि स्पीकर में जो साउंड होता है वो सभी को सुनाई देता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए स्पीकर का कैटेगरी क्या है, कितने टाइप का स्पीकर होता है, टाइप्स ऑफ स्पीकर। देखिए यहाँ पे फोटो में आ रहा है, बहुत तरह का अलग अलग टाइप्स का स्पीकर है। इसको छोड़ के और भी बहुत तरह का स्पीकर है फ्रेंड्स, तो सभी को तो यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीकर हम लोग देख लिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ हेडफोन या हेडसेट। तो देखिए यहाँ पे दो फोटो आ रहा है, तो एक दोनों ही हम लोग कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, इसको हेडसेट कहते हैं, जिसमें माइक्रोफोन होता है। टाइप्स ऑफ हेडसेट भी देख लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग का डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टर। ए प्रोजेक्टर शोज द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर और एनी अदर मीडिया सच एज इथरनेट, इंटरनेट, सीडीज, डीवीडीज, सेट टॉप बॉक्स एक्सेट्रा ऑन ए लार्ज स्क्रीन। हम लोग प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि इंटरनेट से, सीडीज से, डीवीडीज से, सेट टॉप बॉक्स से कोई भी डिस्प्ले को बड़ा करके, मतलब लार्ज स्क्रीन में या कोई मतलब लार्ज रेजोल्यूशन में दिखा सकता है कोई भी इमेज को या कोई भी वीडियोस को, जो कि इथरनेट। अब इथरनेट क्या है फ्रेंड्स? इथरनेट मतलब नेटवर्किंग सिस्टम को कहते हैं, तो नेटवर्क से भी हम लोग प्रोजेक्टर को जोड़ सकते हैं और नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर में क्या हो रहा है उसको हम लोग नेटवर्क के जरिए भी प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके उसको भी हम लोग बड़ा करके दिखा सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोजेक्ट एनी इमेज और वीडियो इंटू ए वॉल और एनी ऑब्जेक्ट विथ लार्ज स्केल ऑफ रेजोल्यूशन। इसके ज़रिए हम लोग कोई भी इमेज या फोटो को दीवार के ऊपर, मतलब वॉल के ऊपर, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखा सकते हैं बड़ा करके, मतलब रेजोल्यूशन जिसका बहुत ही हाई होगा और फोटो भी बहुत ही बड़ा होगा। दिस डिवाइस आर वाइडली यूज फॉर टीचिंग इन ए क्लासरूम। इस डिवाइस को अभी सबसे ज़्यादा क्लासरूम में टीच करवाने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। डिस्प्ले एनी फोटो और एनी डॉक्यूमेंट इन ए मीटिंग, कोई भी मीटिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फोटोज़ को दिखाने के लिए। डिस्प्ले एनी प्रेजेंटेशन और एनी अदर जॉब्स, कोई भी प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए और भी कई तरह का कामों के लिए हम लोग प्रोजेक्टर को यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं प्रोजेक्टर कैसा दिखने में होता है। तो ये देखिए, ये है प्रोजेक्टर। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होता है, बहुत सारा ऐसा स्कूल होता है जिसके पास ऐसा प्रोजेक्टर होता है, वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत सारा ऑफिसेस में होता है जहाँ पे मीटिंग वगैरह में ये प्रोजेक्टर को यूज़ करके कंप्यूटर में जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको बड़ा करके सभी को दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोजेक्टर वर्किंग। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्टर कैसे काम कर रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रेजोल्यूशन है वो बड़ा करके एक बड़ा सा जगह में दिखा रहा है। तो यही फ्रेंड्स प्रोजेक्टर का मेन काम है। अब बैक पैनल ऑफ प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर का बैक पैनल को देख लीजिए। देखिए बैक पैनल मतलब प्रोजेक्टर का जो पिछला साइड है वो, यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग पोर्ट्स को दिखाया गया है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यूएसबी से भी हम लोग चला सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट है, यूएसबी से हम लोग मतलब पेन ड्राइव में अगर कोई वीडियो हुआ तो उसको भी चला सकते हैं। इस साइड में जो ये दिखा रहा है, मतलब ये
पावर केबल का पोर्ट है, मतलब पावर जैक लगने वाला है इसमें। यहाँ पे और एक पोर्ट है जिसमें से कुछ दूसरा कुछ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे उतना मालूम नहीं है। अब इसके साइड वाला जो है, इस यहाँ से इसमें हम लोग इंटरनेट या इथरनेट मतलब नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। उसके साइड वाला जो है उसमें हम लोग कंप्यूटर को लगा सकते हैं। कंप्यूटर का जो मॉनिटर में वीजीए केबल लगता है, उस वीजीए केबल को यहाँ पे लगा देंगे तो मॉनिटर कंप्यूटर में जो हम लोग को दिखेगा वही हम लोग प्रोजेक्टर में भी शो हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद देखिए HDMI पोर्ट दोनों दिया हुआ है। उसके बाद नीचे में वीडियो आउटपुट के लिए है, मतलब हम लोग इसको अगर सॉरी ये वीडियो इनपुट है, मतलब इसको अगर हम लोग CD या DVD से कनेक्ट करना चाहते तो वो भी हो जाएगा। ऑडियो अगर इन करना चाहते तो वो भी हो जाएगा। मॉनिटर आउट मतलब कंप्यूटर से इसमें जोड़ने के बाद आउटपुट हम लोग मॉनिटर में भी अगर पाना चाहते हैं दूसरा मॉनिटर में तो वो भी हो जाएगा। तो बहुत सारा कुछ फंक्शंस होता है एक प्रोजेक्टर में। तो ये अभी बहुत सारा जगह में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही पॉपुलरली यूज़ हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मोटा मोटी इस वीडियो में स्पीकर और प्रोजेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए कोई सीरीज़ में, तब तक के लिए टाटा।